Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अच्छा ठीक है ठीक। आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की काबीना और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब आपको मुबारक भी देता हूँ और मैं ये आपसे उम्मीद लगाता हूँ कि इंशाल्लाह ये वो मुंतखब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आएगी जो कि एक नई ट्रेडिशन पैदा करेगी, एक हुकूमत एक ऐसी आएगी जो एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम देगी कि हमेशा के लिए आप नई स्टैंडर्ड्स कायम कर देंगे। तो मैं सबसे पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर हूँ जो कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने ये सारे इलाके को उस तरह देखा हो जो मैंने देखा है। 15 साल की उम्र में मैं पहली दफा आया था जब अभी काराकुरम का ये सड़क भी नहीं बनी थी, हाईवे नहीं बनी थी, और उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता रहा। जैसी क्रिकेट से मुझे फुर्सत मिली, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में क्रिकेट खेलता था, तो जैसे ही मिला तो फिर मैं तब से सारे इलाके में फिर से वापस आया और मैं आपका सारा इलाका जानता हूँ, आपके मसले जानता हूँ और जो पोटेंशियल है इस इलाके का वो भी जानता हूँ। और मेरे ख़्याल में कि हम जो इंशाल्लाह हमारी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हम अब जिस रास्ते पे जिस रुख पे गिलगित बल्तिस्तान को अब हम डालेंगे, ये सब इंशाल्लाह आवाम की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं पहले तो जो चीज़ें हमने फैसला किया कि हम आपके लिए क्या काम करेंगे, अब नई हुकूमत आई है क्या करेगी आपके लिए, तो सबसे पहले तो जो प्रोविंशियल प्रोविजनल स्टेटस है उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करेंगे ताकि जो एहसास महरूमी रही है अब तक यहां वो दूर की जाए। मैं जब भी यहां आता था मुझे नौजवान ये कहते थे कि जी हमें बताएं हम क्या पाकिस्तानी हैं या नहीं है, हमारे हकूक हैं या नहीं है। तो मुझे जी तो तब से मुझे एहसास था कि हमें लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, उनको ये एहसास ही ना हो कि वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं है, ये एहसास दूर करने के लिए ज़रूरी था कि ये जो हमने अब नया आपके लिए सेटअप बनाया और जो इंशाल्लाह इसके ऊपर अब डिटेल्स में काम होगा कि कैसे आपका ये प्रोविजन स्टेटस जो प्रोविंस का है उसके ऊपर पूरी तरह काम किया जाए और फौरी तौर पे हम कमेटी बैठाएंगे जो इसके ऊपर अब बाकायदा टाइमलाइंस के साथ काम करेगी। तो ये तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक जो इशू था वो ख़त्म हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। और हमेशा जो दुनिया का सिस्टम, कामयाब सिस्टम होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सेल्फ गवर्नेंस। लोगों के पास इख्तियार होता है अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए, कोई बाहर से आके उनको बता नहीं सकता। आप लोगों को बेहतर पता है कि आपको किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। हम इस्लामाबाद से आपको नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट ए बनाया जाए या प्रोजेक्ट बी बनाया जाए, ये आप फैसला कर सकते हैं। तो एक तो ये मैं आपको मुबारक भी देता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पे अब काम होगा और ये हमारी विजन के साथ साथ ये भी है कि जो हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मदीना की रियासत में ये थी कि उन्होंने जो प्रायोरिटाइज किया कि कैसे कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना है, जो लोग पीछे रह गए ज़िंदगी की रेस में उनको ऊपर कैसे लेके आना है,
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले चीज की थी। पैसे भी नहीं थे, गरीब लोग थे उस वक्त, लेकिन उस रियासत ने फैसला किया कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो कमज़ोर गरीब तबका, जो माजूर हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, इनको हमने कैसे ऊपर लेके आना है। तो इसी तरह नंबर वन हमारी प्रायोरिटी वो है, हमारा एहसास प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत ख़त्म दूर करने के लिए, वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू है। वो बल्तिस्तान में भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग पीछे रह गए ज़िंदगी की रेस में, तो इंशाल्लाह वो एहसास प्रोग्राम हम यहाँ लेके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मुझे आपके लिए जो सबसे खुशाइन चीज़ है मेरे ख़्याल में, एक गरीब घराने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब उस घर में बीमारी होती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पैसे नहीं होते उनके पास, वो चीज़ें बेच देते हैं, कर्जे में मकरूज हो जाते हैं किसी का इलाज करवाते हुए। तो हम हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। 10 लाख रुपया एक घर के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके वो हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक। उसके अलावा जो टूरिज्म है, क्योंकि मैं आपके इलाके के टूरिज्म के पोटेंशियल को जानता हूं, क्योंकि मैं सारा देखा हुआ है आपका इलाका, लिहाजा टूरिज्म के ऊपर हम पूरा जोर लगाने लगे। गर्मियों के अंदर तो वैसे ही आप जो मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से कि यहां एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहां जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए, सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो और बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ये पिछली गर्मियों में उतना उस तरह नहीं टूरिस्ट आ सका, लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूं कि 2 किस्म की जो टूरिज्म है, एक तो अंदरूनी हमारी टूरिज्म है, हमारा नौजवान है मोबाइल फोन की वजह से जब वो कहीं जाता है वो अपनी तस्वीर लगा देता है फेसबुक के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर देखता है, आपको एडवर्टाइज ही नहीं करना पड़ता, वो जो फेसबुक पे चलता है वो सारी दुनिया में जब तस्वीरें जाती हैं तो दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। मैं जब यहाँ 3-4 साल पहले आया था तो मैंने देखा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बरतानिया से, यूरोप से पाकिस्तानी यहाँ ठहरे हुए थे होटल्स के अंदर, सब होटल भरे हुए थे। तो ये अब ये बढ़ती जाएगी आपकी टूरिज्म, तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। तो एक तो ये हमने पूरा प्रोसेस शुरू किया हुआ है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको वज़ीर आला साहब आपको हम पूरा अपडेट करेंगे कि हम क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि लोगों के पास बड़े सस्ते कर्जे मिलें ताकि वो टूरिज्म के लिए अपने अपने घर के साथ एक्स्ट्रा कमरे बना सकें। उसके अलावा मैं अभी पिछले हफ्ते ऑस्ट्रिया से एक बहुत बड़ी कंपनी है उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो स्कीइंग के स्पेशलिस्ट हैं। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो ज्यादा पैसा स्विट्ज़रलैंड में बनता है वो टूरिज्म से, वो स्कीइंग से बनता है, और ऑस्ट्रिया में भी बनता है। अब ये जो मेरे पास कंपनी जब मेरी मुलाकात हुई वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है तो उनके पास वो जो टाइम है स्कीइंग का वो कम होता जा रहा है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जो हमारे यहाँ इलाके हैं वो इतने ऊंचे हैं अब कि वहाँ यहाँ बड़ी देर तक स्कीइंग हो सकती है, यानी 7-8 महीने तक स्कीइंग हो सकती है। तो उनसे हमने बातचीत शुरू की है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कीइंग के यहाँ इलाके डेवलप करें। उससे क्या होगा, अभी तक तो सिर्फ गर्मियों में आपके पास टूरिस्ट आते हैं, जब स्कीइंग आ गई तो गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी आपके पास टूरिस्ट आएंगे और बाहर से आएंगे, जिससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा। उसके अलावा स्कर्दू का अस्पताल शुरू किया हुआ हमने 250 बेड का, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा
उसके लिए मैं आपको इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों के पास या अस्पताल नहीं है या लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, तो इंशाल्लाह इस अस्पताल को हम अपग्रेड करते रहेंगे। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बिजली बनाने के यहाँ बड़ी जगह है, फैसला किया 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ, जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। तो दो बन रहे हैं हमारे, दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पावर स्टेशन बन रहे हैं, दो पाइपलाइन में हैं, उनके PC1 तैयार हो गए हैं और दो और के हमने अप्रूव कर दिए हैं, तो 6 तो आपके स्टेशन बन जाएंगे। उसके अलावा जो हमने पख्तूनख्वा में किया था माइक्रो हाइड्रल स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन, वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि छोटे छोटे इलाकों में छोटा छोटा एक ऐसा स्टेशन जो कि सारे गांव को बिजली दे सके, वो भी और उसके साथ सोलर भी, ये भी कोशिश करें कि ताकि आपके सारे इलाके में बिजली आ जाए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपेक के रास्ते में, बल्कि हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए, और उसके लिए हमने फैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए सारी फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है। अब तक यहाँ मसला ये है कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं थी, तो साथ साथ जैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता जाएगा और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बनता जाएगा, गवर्नमेंट उसके अंदर काम होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और बाकी खुद इंडस्ट्रीज आके वहाँ लोकेट करती हैं। और क्योंकि ये सीपेक के रास्ते में है, तो ये पहला इंशाल्लाह हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके लिए हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह जो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि इसको एक टूरिज्म का हब बना दें। अब मैं आपको तहरीक इंसाफ की विजन की बात करता हूँ कि मेरी विजन क्या है। मेरी विजन ये है कि एक तो जब मदीना की रियासत के ऊपर चलते हुए उन उसूलों पे निचले तबके के ऊपर हम पूरा जोर लगाएं, उनको ऊपर उठाएं, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क पे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। जिस मुल्क में जो रियासत अपने कमज़ोर तबके का ध्यान नहीं रखती वो कभी ऊपर नहीं जा सकती, ये ज़हन में डाल लें, क्योंकि अल्लाह गरीब की तकलीफ देखता है, उसकी गरीब की जब वो मुश्किल वक्त में उसकी जो आवाज़ है वो अल्लाह सुनता है, बरकत नहीं आती उन माशरों में। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद कि उनके पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर अपने कमज़ोर तबके को दिया। वही इंशाल्लाह हमारी अब कोशिश है, हेल्थ कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं उन इलाकों के ऊपर भी हमारा सबसे ज़्यादा जोर है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान एक इलाका है, जिसमें हमारा कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वो दूसरा है, और तीसरा बलूचिस्तान है। अभी जो साउथ बलूचिस्तान में मैं गया था तुर्बत में, तो वो पीछे रह गया उनका, वो बलूचिस्तान में भी कोटा के इर्द गिर्द इलाके बेहतर हैं लेकिन जो साउथ में पीछे रह गए, तो उधर भी हमने पूरी अब जोर लगा रहे हैं कि साउथ के ऊपर भी पूरा बलूचिस्तान को उठाएं। तो एक तो ये है हमारा, और जो वज़ीर आला साहब आप और काबीना के लिए मेरे लिए मैं जो आखिरी बात करूंगा वो ये, देखें जो लीडर होता है, लीडर की जो सबसे बड़ी दो क्वालिटीज वो बहुत ज़रूरी एक लीडर में होना होती है, सादिक और अमीन। दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हमें अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। वो ग्रेटेस्ट लीडर की ये जो क्वालिटी थी कि उनके दुश्मन भी कहते थे कि ये सच्चा इंसान है,
उन्हीं के कदमों पे चल के जो मैं अपना बड़ा लीडर मानता हूं वो कायदे आजम मोहम्मद अली जना थे। कायदे आजम के भी दुश्मन सब कहते थे कि ये आदमी सच्चा आदमी है। वो अंग्रेजी में तकरीर करते थे कायदे आजम, अवाम को समझ नहीं आती थी लेकिन कहते थे जो ये कह रहा है वो सच ही कह रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर जो ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कोई खास मुकाम दिया है वजीर आला और वजीरों को कि आप अपने लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो बुनियादी ये दो चीजों से ना हटना, सादिक और अमीन। एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनों को पब्लिक में नशर कर देता है, आप छुपाने की भी कोशिश करते हैं वो गुना बाहर निकलाता है। अब किसको क्या पता था कि आपने अपना नैब का हेड भी रख लिया, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से समझौता भी कर लिया, मुकमुका भी कर लिया दोनों सबसे, किसी को क्या पता था कि पैनामा के अंदर इंकशाफ हो जाएगा और चार जो बड़े बड़े मल्ला थे वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आपकी फिर से ट्रायल शुरू हो जाएगी। देखें ये चोरी छुपती नहीं है, और ये चोरी को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है इनमें, वो पैसा बचाने के लिए वो भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। इस पैसे का क्या फायदा जो आपकी भी तबाही करता है आपकी औलादों की भी तबाही करता है। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं, मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है, ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये पूरी एपीडीएम कैंपेन कर रही है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर रोज अमवात बढ़ती जा रही हैं, कल हमारी 3-2.5 महीने के बाद सबसे ज्यादा लोग हमारे कोरोना से गए थे कि 70 से ऊपर, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। पता है कि जब लोग जमा होते हैं तो कोरोना फैल जाती है, सबको पता है, सारे मेडिकल वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सेस हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं? चोरी बचाने के लिए। हराम का पैसा इंसान को तबाह कर देता है। किसी डॉक्टर से पूछ लें कि जो सबसे बड़ा बीमारियों की जड़ है ना, जिससे कैंसर भी फैलती है, हार्ट डिजीज भी, ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज भी, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। ये सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा बीमारियों की डर स्ट्रेस है। और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं उस प्रोग्राम में, उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी, उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी आया तो उसे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये आज एज प्राइम मिनिस्टर, आपकी पार्टी का हेड, खास आपको ताकीद करना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए। जितनी आप अपने लोगों की खिदमत करेंगे आपको अल्लाह भी आपसे खुश होगा, और जब अल्लाह खुश होता है तो आपके दिल में सुकून होता है। जिंदगी आपकी जितनी मर्जी मुश्किल हो, सोएंगे आप अच्छी नींद, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होगा,
लोगों की दुआएं आएंगी आपको। जब आप एक इंसानियत की मदद करते हैं, याद रखें अल्लाह आपसे खुश होता है। जब अल्लाह आपसे खुश होता है तो आपकी रूह खुश होती है, और रूह कनेक्टेड है अल्लाह के साथ, और वो इंसान को सुकून देती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। हम कुरान में से हम अपनी नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो अल्लाह को तो हबीब एक ही था, कुरान में तो एक अल्लाह का हबीब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी, इसका मतलब कि हमें अल्लाह कह रहा है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो नमाज में तो हम ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा, तो उनका रास्ता आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल रास्ता था, बड़ी ऊंच नीच मुश्किल वक्त गुजारा उन्होंने, लेकिन सुकून था उनको। कभी जो उनको देखता था मुश्किल से मुश्किल वक्त में, उनकी शक्ल पे कोई स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि उनकी रूह खुश थी, क्योंकि वो अल्लाह का काम कर रहे थे। और वो है आपका काम, जब आप अपनी अवाम की खिदमत करेंगे, आप अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह आपको वो खुशी देगा जो कभी पैसा वो खुशी खरीद नहीं सकता। और आप इंशाल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान में वो चेंज लेके आएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, सेंटर आपकी पूरी मदद करेगा, और मैं ये चाहता हूं कि जब आपका टाइम पूरा हो तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो चुकी हो। शुक्रिया।